सरकार की ओर से आबकारी नीति पर बदलाव को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसको लेकर निशाना साधा और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। तो हरीश रावत ने सरकार की आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं। सिंडिकेट बैंक को लाभ पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, जिसको लेकर हरीश रावत ने इस नीति पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड की वर्तमान भाजपा सरकार अपना एक वर्ष तो पूरा करेगी ही और अगले 5 वर्ष के लिए भी उसका चुन करके आना निश्चित है। ऐसे में श्री हरीश रावत को इस बात के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि 2 वर्ष के लिए जो शराब व्यवसायियों को ठेका दिया जा रहा है उसमें अगली सरकार का क्या रहने वाला है। बाकी ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने की दिशा में जो कोशिशें हो रही हैं उसी का एक अंग है। कोरोना काल में जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं उससे प्रदेश को निकालने की कोशिश है। और जहां तक लाभ का सवाल है, तो जहां तक हम जानते हैं कि शराब के व्यवसायियों के प्रति जो नरम रुख उनके अपने कार्यकाल का रहा है, हम तो केवल नियमों का पालन कर रहे हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं।